यूपी के कानपुर के बर्रा अपहरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे में पता चला है कि दोस्तों ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर लैब टेक्नीशियन का अपहरण किया था। आपको बता दें कि 22 जून की रात हॉस्पिटल से घर आने के दौरान संजीत का अपहरण हुआ था। 23 जून को परिजनों ने जनता नगर चौकी में उसकी गुमशुदगी की तहरीर लिखाई थी। 26 जून को एसएसपी के आदेश पर राहुल यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 29 जून को अपहरणकर्ता ने संजीत के परिजनों से 30 लाख की फिरौती के लिए फोन किया। 5 जुलाई को परिजनों ने शास्त्री चौक पर जाम लगाकर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। 22 जुलाई को एसपी साउथ कार्यालय में इस बाबत दोबारा प्रार्थना पत्र दिया गया। 13 जुलाई को परिजनों ने फिरौती के 30 लाख रुपए से भरा बैग गुजैनी पुल से नीचे फेंक दिया, लेकिन फिर भी संजीत नहीं आया। 14 जुलाई को परिजनों ने एसएसपी और आईजी रेंज से शिकायत की, जिसके बाद संजीत को 4 दिन में बरामद करने का भरोसा दिया गया। 16 जुलाई को बर्रा इंस्पेक्टर रंजीत राय को सस्पेंड कर सर्विलांस सेल प्रभारी हरमीत सिंह को चार्ज दे दिया गया, लेकिन अब कानपुर एसएसपी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि दोस्तों ने ही अपहरण किया और फिर हत्या कर संजीत का शव पांडु नदी में फेंक दिया। एसएसपी ने बताया कि अपहरण के 4 या 5 दिन बाद ही उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। लड़के की हत्या करने के बाद फिरौती की मांग की गई थी। वहीं शव की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। आपको बता दें कि अपहरण मामले में पकड़े गए अपहरणकर्ताओं ने पूरी घटना की जानकारी दी है। कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों से ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल ही नहीं किया। तो सर परिजन कह रहे हैं, पुलिस कैसे जब मुलजिम के बयान से चलेगी, परिजन के बयान देखिए, हम परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। जो साक्ष्य हमें मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये सो क्या कह रहे हैं आप, केस हो हम मौके पे, तो उनका कहना है उनके सामने मैंने बैग फेंका था, तो ये सो कुछ नहीं बता रहे क्या, ऐसा तो नहीं है? एसएचओ देखिए, वही एसएचओ, पूर्व एसएचओ जो रणजीत राय है, उनके जो ऑपरेशनल फेलियर और परिवार वालों को जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया है, उसमें काफी जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी लापरवाही हुई है, उसी के चलते ही उनको सस्पेंड किया गया। समय एक जाल बिछा करके इन अपहरणकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन एसएचओ बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है, वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनी पीएसी की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। तो वहीं देर रात पुलिस ने जब परिजनों को जानकारी दी, तो इतना सुनते ही परिवार वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। माता पिता और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले बर्रा पुलिस कर्मियों पर, इंस्पेक्टर रंजीत राय पर आरोप भी लगा रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि ये सब भी इसी घटना में मिले हुए थे। फिलहाल अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस संजीत के शव की तलाश में जुटी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संजीत यादव हत्याकांड पर शासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जनता नगर चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को सस्पेंड करने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता और गोविंद नगर सीओ मनोज गुप्ता को भी सस्पेंड किया गया है। Yeah.
कैसे भरोसा करें हम लोग पुलिस पर, बताइए जरा कैसे भरोसा करें, एक महीने में क्या हो जाता है। तो वहीं अब पूरे मामले में राजनीतिक प्रक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। राज्य में लगातार हो रही इस तरह की घटनाएं योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी हो, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। उन्होंने लिखा कि किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और अब उनकी हत्या कर दी गई। एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।